प्यारे व्यूवर्स, मैं आपकी मेज़बान सच्ची सली उम्मीद है कि माशाल्लाह से आप अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे। तो व्यूवर्स, मैं भी अल्लाह के फजल करम से ठीक हूँ। तो व्यूवर्स, मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ। मैं आपके लिए वीडियो चलाई हूँ, मैं आपको आज स्क्रब करना सिखाऊंगी कि किस तरीके पे आपने स्क्रब करना है और किस तरीके से आपके स्किन और मतलब जहाँ जहाँ आप करेंगे कि मतलब कैसे ग्लो आएगा। तो व्यूवर्स, हैं चलते हम अपनी वीडियो की जानब। तो आप कोई सा भी स्क्रब ले रहे हैं, मैंने यहाँ पे ब्यूटी क्लिनिक का ली है, आप कोई सा साशे वाला भी ले सकते हैं। और इसमें एक चीज़ आपने ख़ास डालनी है जिससे आपका ग्लो बढ़ेगा। तो व्यूवर्स, हैं चलते हम अपनी वीडियो की जानब। तो व्यूवर्स, ये देखिए मैंने इसको खोल लिया है। आपने चम्मच की मदद से आपने जितनी मकदार में आपको ज़रूरत है आपने उतना ले लेना है और आपने इसको बना लेना है। तो व्यूवर्स, मैं इतना से ले रही हूँ, आपने किसी कटोरी या प्याले में ले लेना है। ये देखें व्यूवर्स, मैंने इतना से ले लिया है। और इसमें अहम चीज़ जो डालनी है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने अहम चीज़ क्या है कि वाइटनिंग कैप्सूल डालना है। इससे अगर आपके चेहरे पे दाने या ब्लैक हेड्स या मतलब ग्लो नहीं आता तो आप इससे डालने से बहुत फ़ायदे हैं। तो व्यूवर्स, अब हम इसको ऐड कर देंगे। उसके बाद आपने इसका मिक्सअप कर लेना है और आपने स्क्रब करना है। स्क्रब करने से आपके चेहरा क्लीन भी हो जाता है और आपके चेहरे पे जो डस्टिंग होती है वो भी मतलब निकल जाती है, धूल मट्टी जो होती है। तो व्यूवर्स, अब मैं इसको मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूवर्स, मेरा मिक्सर मतलब हल हो चुका है और अब आपको मैं लगा के दिखाती हूँ और मैं आपको बताऊँगी कि आपने अपने पूरे फेस पर लगा लेना है। उसके बाद आपने मतलब पानी के साथ 5-10 मिनट तक मसाज करना है। उसके बाद आपने ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। ये देखिए व्यूवर्स, मैंने लगा लिया है और आपने इस तरह फेस पे लगा के आपने पानी लेना है और उसके बाद आपने उंगलियों के ऊपर लगा के पूरे फेस पे मतलब इसका मसाज करना है। और उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक किया करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें।